नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। डेंगू से बचाव के लिए शहर में शुरू हुई फॉगिंग, आमजन को फॉगिंग से मिलेगी राहत। स्कीम दो की डिस्पेंसरी में हुई चोरी, जन सहयोग से डिस्पेंसरी में उपलब्ध कराई थी जन सुविधाएं। कालीमुरी पुलिया के पास मिला शव, शव की हुई पहचान। जिले भर में भारतीय ज्ञान परीक्षा आयोजित, हजारों विद्यार्थियों ने परीक्षा में हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में शुक्रवार को दोपहर बाद आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग से धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चौपान की थाना में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री में लगी आग पर एक घंटे में काबू पा लिया, जिसे बड़ा हादसा होने से टल गया। रिको दमकल केंद्र प्रभारी राजू ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद 4 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट संख्या SP2575 पर स्थित दायका स्मार्ट सॉल्यूशंस में आग लगी है। फैक्ट्री में गैस लाइटर सहित अन्य सामान बनाया जाता है। सूचना मिलने के बाद भिवाड़ी व चौपानकी से दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। UCSKM पब्लिक स्कूल में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में शिक्षा विभाग के सहयोग से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। परीक्षा का आयोजन प्रभारी मुकेश शर्मा, राम अवतार कौशिक, विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक, उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर एवं शिक्षकों के निरीक्षण में किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलवर जिले में सेवारत केंद्रीय कार्मिकों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अलवर जिले के सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अलवर जिले में कार्यरत केंद्रीय कार्मिकों, सेना अर्धसैनिक बलों के जवानों को परिवर्तित मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान कराए जाने हेतु अलवर जिले को वाई श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण किए जाने के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पत्र लिखा जाकर दूरभाष पर अवगत कराया गया है। केंद्रीय कर्मचारी एसोसिएशन सेवारत के संयोजक दीपक शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में वर्तमान में लगभग 20 से अधिक केंद्रीय कार्यालय एवं अर्धसैनिक बल केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, भारतीय डाक विभाग, BSNL, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम, आकाशवाणी, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड, भारतीय सेना इटराना यूनिट, 6 अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित हैं, जिनके अधीन काफी तादाद में केंद्रीय कार्मिक अधिकारी एवं उनके परिवार जिला मुख्यालय पर निवास करते हैं। अलवर जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है एवं इसकी जनसंख्या 5 लाख से भी काफी ज्यादा है। यहां बढ़ते औद्योगिकरण के कारण शहरी सीमाओं का लगातार विस्तार हो रहा है, जिससे जनसंख्या में भी खासा वृद्धि हो रही है। इसके चलते शहर में आवासों का किराया काफी ज्यादा हो गया है एवं वर्तमान देय मकान किराया भत्ता इस हेतु अनुकूलित नहीं है। संयोजक दीपक शर्मा के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा 1 अगस्त 2023 को अधिसूचना के द्वारा NCR क्षेत्र एवं बढ़ते हुए औद्योगिकरण को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद अलवर को नगर निगम में क्रमोन्नत किए जाने के आदेश जारी किए जाकर सीमाओं को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अलवर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई है एवं इस प्रकार इस शहर ने केंद्र सरकार के कार्मिकों के मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ वाई श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकरण हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है। इस बाबत केंद्रीय कार्मिकों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री से मिलकर कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा दूरभाष के माध्यम से निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार से चर्चा कर जल्द इसे लागू किए जाने का आश्वासन दिया गया। केंद्रीय मंत्री द्वारा इस आशय का एक पत्र वित्त मंत्रालय को भी लिखा गया है। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम झिलोड़ी में सूखे कुएं में सीआर गिर गया। वन विभाग द्वारा सूचना मिलने पर जुगनू तंबोली की टीम, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर मशक्कत कर सीआर को कुएं से जीवित बाहर निकालकर जंगल में मुक्त कर दिया गया।
राजगढ़ कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में स्थित 17 विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि इस परीक्षा में कस्बे की 17 स्कूलों के 2000 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लिया। गायत्री परिवार ने एक दिन का अध्यापक बन खुशी हासिल की। संयोजक विनोद विजय ने बताया कि परीक्षा में सरकारी विद्यालय सहित लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी एवलॉन जय दुर्गा सीनियर सेकेंडरी सहित अन्य निजी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों ने भाग लिया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिंग स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, 810 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टेक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक ऐसा सरकारी विद्यालय जो अपने नवाचारों से अलवर ही नहीं बल्कि राजस्थान में अपना अग्रणी स्थान रखता है, जी हां हम बात कर रहे हैं खैरदल तिजारा जिले के मुंडावर ब्लॉक के शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला की। यहाँ के प्रधानाध्यापक सुमित यादव व विद्यालय स्टाफ ने अपने नवाचारों में जर्जर पड़े स्कूल भवन को प्राइवेट स्कूलों जैसा तो बनाया ही, साथ ही यहाँ के बच्चों के पास खेलने का खेल मैदान नहीं होने पर अपने निजी खर्चे पर खेल मैदान किराए पर लेकर अनूठी मिसाल पेश की है। आपको बता दें प्रधानाध्यापक व स्कूल स्टाफ ने अपने वेतन से लगभग 8 से 10 लाख रुपए के विकास कार्य स्कूल में करा दिए, जिससे उनकी चारों तरफ सराहना हो रही है। आज स्कूल स्टाफ ने नवाचार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्कूल में बच्चों को 20 साल से मिड डे मील का खाना बनाकर खिला रही लाली देवी का सेवानिवृत्त कर भव्य विदाई समारोह का आयोजन कर पूरे राजस्थान में अनूठी मिसाल पेश की है, जिसमें स्कूल स्टाफ ने कुक हेल्पर लाली देवी को 10 जोड़ी कपड़े, रजाई, कंबल, तकिया, गद्दा, ट्रेवल बैग, जूते, चप्पल, मिल्टन बॉटल, हॉट केस, बेड शीट, बर्तन सेट सहित दर्जनों सामान देकर भव्य विदाई दी। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर ब्लॉक के अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी दीनदयाल आर्य ने कहा, ऐसा मिड डे मील का खाना बनाने वाली कुक हेल्पर का ऐसा भव्य सेवानिवृत्त समारोह शायद राजस्थान का पहला कार्यक्रम है। कादर नंगला के इस विद्यालय में जो आज का प्रोग्राम था, श्रीमती लाली देवी जो कि यहाँ पे इन्होंने 20 साल तक अपनी सेवाएं दी, बच्चों को खाना खिलाया, और ये सबसे बड़ी सेवा होती है कि जो हमारे बताई गई है। तो मैं आपने यहाँ पर बच्चों की सेवा की, उनको खाना खिलाया और आपने बहुत बढ़िया सेवा दी। अब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आज आपको विदा किया गया है, आपको कैसा लगा, कैसी रही सेवा? अच्छा, अच्छी रही। यहाँ पे सब यहाँ पे बच्चे किस तरह के रहे आपके यहाँ पर? अच्छे रहे, और कोई नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे हम रहे वैसे बच्चे रहे, वैसे टीचर रहे, कोई बात खुशी बहुत मिल रही है। इतने तो आपके बेटा बेटी भी नहीं खुशी मिला, जितने ये दिया है बेचारे काम कराए जी, तो हो रहा है, है? जे ना काम करती तो फिर कौन इतना खुशी करता। तो आपने माँ याद तो आएगी भाई, बच्चे हैं। भी पहल मानता हूँ और निश्चित रूप से आगे भी मैं ऐसा विश्वास मेरे मन में है कि मेरा भी कभी कुक कम हेल्पर मेरे विद्यालय से भी कभी इस तरीके से 60 इयर्स पूरे करने के बाद यदि मैं रहा या कहीं भी रहूं तो मैं भी इसका प्रयास करूंगा और लोगों को भी प्रेरणा दूंगा कि ऐसा प्रयास और लोग भी करें। और ये एक बहुत अनूठी पहल है और इसके लिए मैं संस्था प्रधान श्री सुमित जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे अनूठे कार्यक्रम भी करते ही रहे। यहाँ 2012 में पोस्टिंग हुई जी। और शिक्षक के रूप में रियल मैं बताता हूँ आपको, मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ। मेरा एक अपना टारगेट है कि शिक्षा जगत में कुछ ऐसा करें कि शिक्षक समाज की एक अच्छी लोगों की एक अच्छी सोच शिक्षक समाज के प्रति, छवि का भी थोड़ा सा वो है कि लोगों की छवि अच्छी नहीं रहती। हाँ, कहीं ना कहीं शिक्षक समाज की छवि गत कुछ समय से धूमिल हुई है किन्हीं न किन्हीं कारणों से,
और उसको हम अच्छा करने की कोशिश में रहते हैं। और ये जो कार्यक्रम का मेरा विचार बना, ये लालो माई जब मैं 2012 में आया था तब से खाना बना रही है और ये पहले से कार्यरत है, यानी कि 12 साल मेरे सामने आपसे पहले से ही ये कार्यरत है जी, 8 साल पहले उसके लगभग हो गया। और मेन आपकी बात क्या है, सबसे सीधी बताऊं आपको कि इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इन्होंने गर्मी सर्दी बारिश कभी नहीं देखा। अब इनका 60 साल की उम्र हो गई तो ये रिटायरमेंट की स्थिति में आ गई। अब मैंने विचार क्या किया कि भाई इनका सम्मान भी ऐसे होना चाहिए जैसे, क्योंकि ये हमारे स्कूल की रीढ़ है, बहुत सारे अध्यापक प्रधानाध्यापक यहाँ से रिटायर होके गए, तो मैंने एक विचार किया कि इनका हक भी इस विद्यालय पे उतना ही है, क्योंकि किसी शिक्षक से ज्यादा इनका योगदान मैं मानता हूँ सारे बच्चों को, क्योंकि शिक्षक को अपनी क्लास पढ़ानी होती है, अपना रिजल्ट देना होता है, एक लिमिटेड टाइम की उसके बाद छुट्टियां होती हैं, इन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली, रेगुलर 20 साल से बच्चों को खाना बना के दे रही हैं, इस पूरी स्कूल में साफ सफाई का कार्यक्रम भी इनका है, स्वच्छता का काम भी इन्होंने देखा है, वो भी निःशुल्क रूप से इन्होंने बेचारियों ने हमारे यहाँ स्वच्छता का काम किया है। तो मैंने सोचा कि ये अपने को करना है, क्योंकि देखो बड़े अधिकारी कर्मचारी उनके लिए लोग काम करते हैं, लेकिन ये लोग हैं ये वास्तव में किसी स्कूल की रीढ़ है, लेकिन इनको अनदेखा किया जाता है, बस एक उनको बिल्कुल मेरा फिर मैंने मानस बनाया, मेरे स्टाफ से मैंने कंसल्ट किया और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पूरे स्टाफ को, जब भी मेरा कोई डिसीजन रहा है तब किसी ने किसी तरह का अपने पास में ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ बढ़िया तरीके से। तो आज इनकी भव्य विदाई की, इनको जितने उपहार हमने देने चाहिए थे पूरा दिल खोल के पूरे स्टाफ ने उपहार दिए हैं, भोजन की व्यवस्था इनके लिए अपने इनके सम्मान में की है, बहुत सारे अतिथियों को हमने आमंत्रित यहाँ पे किया। तो मैं कुछ ना कुछ नया अपने शिक्षा के क्षेत्र में करने के उद्देश्य से हमेशा करता हूँ। तो मुख्य है कि हमारी अम्मा जो है इन्होंने इतनी लंबी सेवा यहाँ पे दी है, तो ये इस शिक्षक इस सम्मान की हकदार थी, और मैंने सोच लिया कि अपने को उन लोगों को उठाना है, उन लोगों को देखना है। अब जैसे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ज्यादातर अभावग्रस्त होते हैं, इनके लिए भी हमने सारे नवाचार, इनके पास टाई बेल्ट ड्रेस लोअर टी शर्ट इस पर, ये विद्यालय 2012 में जब आया था इसकी बोतल। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पहल में शहीद कर्ण सिंह स्मारक के पास शुक्रवार दोपहर बलवीर पुत्र ख्यालीराम जाट ने अपने हिस्से में बेसमेंट बना रखा था, जिसमें अचानक बिजली शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। खैरतल से आई दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया, तब तक किसान की मोटरसाइकिल बाजरा सरसों गेहूं फ्रिज चारपाई बिस्तर सहित सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के प्रयास में किसान बलवीर के हाथ व पैर भी झुलस गए। वहीं नायब तहसीलदार मुकेश गोयल ने घटनास्थल का जायजा लिया व किसान को हुए नुकसान की पटवारी को रिपोर्ट बनाकर भेजने के आदेश दिए, जिस पर पटवारी अशोक कुमार ने बताया कि किसान को लगभग आगजनी से 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब यह अभियान फेल होता दिखाई देने लगा है। ऐसा ही नजारा शहर के स्कीम नंबर 8 अरावली बिहार थाने के सामने निजी कार्य के लिए हरे व घने 10 पेड़ मशीनों से काटे दिए गए, जहां प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने में जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके की पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई नहीं हो पाई। शहर विधायक व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा होने के बावजूद भी धड़ाधड़ हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरुका ने बताया कि इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है, यदि किसी ने नियम विरुद्ध पेड़ काटे हैं तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये वृक्ष कटने की इस तरह की जानकारी में आया है और इसके लिए हमने सीएम साहब को निर्देशित किया है कि इसकी परमिशन जारी की गई थी या नहीं, अगर ये नियम विरुद्ध पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध अगर जानकारी मिलती है कि नियम विरुद्ध और बिना अनुमति के इस तरह से कटिंग की गई, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में आएगी। कुछ समय पहले सचिवालय के बाथरूम की फोर सीलिंग गिर गई थी। अलवर न्यूज ने ठेकेदार की इस गंभीर लापरवाही को उठाया, जिससे ठेकेदार ने गिर चुकी फोर सीलिंग को दोबारा से लगाया गया। ठेकेदार को निर्देशित किया गया, यदि ऐसी घटना दोबारा होती है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सचिवालय में कुछ समय पहले बाथरूमों में से नल की ठूटियां चोरी हो गई थी, लेकिन आज तक चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज 18 अक्टूबर से नामांकन प्रारंभ हुए हैं, जो कि 25 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर के रूप में कैलाश चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामगढ़ के रघुवंश रिसोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक में मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी, मंडल कार्यकारिणी एवं सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध जन पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी प्रबुद्ध जनों से वार्ता कर उनका फीडबैक लिया, जिसे उनके द्वारा शीर्ष नेतृत्व को
दिया जाएगा और जल्द ही भाजपा के उम्मीदवार का नाम रामगढ़ विधानसभा से जारी किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिवस 25 अक्टूबर है। इस दौरान यह है तीसरी बैठक आयोजित की गई है जिसमें कार्यकर्ताओं की राय जानी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा में भाजपा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक मुखी होकर भाजपा के कमल निशान पर मतदान करेंगे और इस बार बहुमत से यहां से जीत दर्ज की जाएगी। अब यहां भाजपा की सरकार है और यहां से भाजपा का विधायक जीत दर्ज कर इस क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाएगा जिससे यहां की जनता की मांगे पूरी हो सकेंगी। ऐसा है कि राजस्थान में अभी सात जगह पर उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है क्योंकि राजस्थान में सरकार भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री साहब की है और भजन लाल जी ने जो काम किए हैं पिछले इन महीनों के अंदर वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते और अभी जिस प्रकार से लोगों की चर्चा है और उसमें यही है कि सातों जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और यहाँ पर जैसा कि सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, अभी मीटिंग हुई उसके अंदर सभी कार्यकर्ता जोश में हैं कि हम निश्चित रूप से रामगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि यहाँ पर जो जिस प्रकार से पिछले कई समय से कांग्रेस की सरकार में जो जिस प्रकार का हुआ और इसलिए यहाँ पे अभी इस एक साल के अंदर जो भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में विकास हुआ है, काम भी हुआ है और काम कार्यकर्ता खुश है और आम जन खुश है। इसलिए मैं सोचता हूँ यहाँ पर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन के साथ में इस बार जीत के आएगी। सर, विगत चुनाव में जो बीजेपी पार्टी है यहाँ पे काफ़ी पिछड़ी थी, इस बार कितना जोर लगा के बीजेपी आगे बढ़ पाएगी? सर, ऐसा है कि इस बार हम सभी एक मुखी होकर चुनाव लड़ने वाले हैं और सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जितना अंतर पिछली बार जो हार कर रहा उससे अधिक इस बार कांग्रेस हारेगी, उसमें कोई दो राय नहीं और निश्चित रूप से मैं इसको लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर हम अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेंगे। सर, जुबेर खान जी जो पूर्व MLA एक्सपायर हैं उनसे रिक्त हुई है, सर कह रहे हैं कि उनके पुत्र यहाँ से लड़ेंगे और सहानुभूति उनको मिलेगी। ऐसा है कि चुनाव जिस प्रकार से हो रहा है इस चुनाव के अंदर जनता विकास चाहती है और यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा किसमें है यहाँ की जनता अच्छे से जानती है, कौन सुरक्षित रख सकता है इस क्षेत्र के अंदर और इस विधानसभा के अंदर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो जीत के जाएगा वही यहाँ पर सुरक्षा भी दे सकता है, यहाँ पर विकास करवा सकता है। यहाँ की जनता आम जनता के अंदर एक ही बात है, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें विकास चाहिए और विकास यहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार ही नहीं है तो क्या करके जीत के भी वो क्या करेंगे, इसलिए जनता को निश्चित रूप से भाजपा के ऊपर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के राजस्थान चेयरमैन के पद पर अलवर के देशराज वर्मा निर्वाचित हुए। परिषद के सचिव अविनाश सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव के बाद देशराज वर्मा को नियुक्ति दी गई। इस अवसर पर देशराज वर्मा ने परिषद के चेयरमैन राहुल द्विवेदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत प्रदेश में अब तक लगाए गए 5 करोड़ पेड़ों के संरक्षण के लिए टीम गठित करेंगे। आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन मंत्री संजय शर्मा की अगुवाई में परिषद निशुल्क ट्री गार्ड वितरित करेगा। साथ ही अलवर जिले को जीरो पॉल्यूशन जिला बनाने के लिए काम किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों सड़क के किनारे कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन सजाकर बैठे हैं। उम्मीद है कि करवा चौथ और दीपावली पर उनकी खूब बिक्री होगी जिससे उनका खर्च चलेगा, लेकिन इस बार दुकानों पर ग्राहक नहीं ठहर रहे, इस वजह से कुम्हार को बिक्री की चिंता सताने लगी है। मिट्टी के दिए बेचने वाले दुकानदारों की नजरें ग्राहकों की तलाश कर रही हैं। मिट्टी को आकार देने वाले कुम्हार अपनी जीविका चलाने के लिए इस काम को मन लगाकर करते हैं। इसी काम से उनके घरों में भी त्योहार की रोशनी आती है, लेकिन इस बार कुम्हारों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोविंदगढ़ के। अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं आप? ये कर रहे हैं काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तो कम हो गया इसका काम। कम हो गया है?
जिस दीपावली का त्योहार आ गया है, लोग दिए लेके जाते हैं, तो कैसा चल रहा है अभी? कुछ है नहीं जी, कुछ भी नहीं है। ये तो मॉल तो लेके आते हैं, अब तो बनते नहीं है घर पे जी, खरीद के लेके आते हैं। दियो भी पहले तो लेके जाते थे 100-100 जी, अब लेके जाते हैं 10 दीवे। क्यों लेके जा रहे हैं? ये लाइट लग रही है, ये मोमबत्ती जलाते हैं, इसलिए ना अब खरीदारी कुछ है नहीं। लोग मॉडर्न हो गए हैं और जो प्राचीन फैंसी हो गया रीति रिवाज है उनको भूलते जा रहे हैं, भूलते ही जा रहे हैं सारे रीति रिवाज। दिवाली भी कोई ये 50 दीवा 51 दीवा जोड़ते थे, अब कुल कोई 5 दीवा जोड़ते हैं, कोई 10 दीवा जोड़ते हैं। सारी लाइट या लाइट का सिस्टम हो गया है, मतलब जो भारतीय संस्कृति है उसकी और भूलते जा रहे हैं लोग, सब भूलते जा रहे हैं। तो जैसे केवल दिए बीच में बिकते हैं या फिर जैसे दीपावली के वाले दिन ही बिकते हैं, कैसे है? ये दीपावली के दिन ही बिकते हैं बस। बस अच्छा जी, और सामान है जैसे आप तैयार कर रहे हैं? करवा चौथ का है सामान, ये सामान, ये सामान, ये अच्छा। भी बाहर से खरीद के लेके आए, अब इनको सजाएंगे तो हम इतने पैसे लगा रहे हैं जी, फिर भी लोग बाग क्या कहेंगे, इतने का इतने का। अब ये तो नहीं देखते कि कितनी मेहनत हो रही है इसमें, है कितने कितनी उनकी इनकम लग रही है इसमें। आप तो बस सबों को स्टील का ले आते हैं, वही ले जाते हैं, ये मिट्टी का शुभ रहता है। अच्छा, जैसे पहले देखते थे भाई गोविंदगढ़ में यही कुंभकार जो प्रजापति समाज के लोग बनाते थे, अब क्या कारण है बनना बंद हो गया? ये बनना तो बंद हो गया, मट्टी नहीं है इधर। अच्छा, और मतलब बुरादा नहीं है बनाने के लिए, पकाने के लिए। अच्छा, मट्टी बाहर से आएगी, 6,000 की ट्रॉली आती है, उनमें से कुल कितना बर्तन बनेगा? 3 भट्टी बर्तन बनेगा पड़ेगा। फिर ये पहले तो तूड़ी मिल जाती थी, अब तो कुछ नहीं मिलता ना, इसलिए बंद कर दिए। तो बाहर से बने बनाए लेके आते हैं? बने बनाए ही लेके आते हैं। फिर इससे महंगा भी पड़ता होगा? ये महंगा तो काफी पड़ता है, पर क्या करे, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। स्कूल के बच्चों को तंबाकू और व्यसनों से जागरूक करने के लिए राजकीय विद्यालय इंदिरा कॉलोनी में तंबाकू मुक्त कैंपेन का आयोजन किया गया। तसई की सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर ममता गुप्ता ने बताया कि स्कूल के बच्चों में धूम्रपान, गुटखा और तंबाकू की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए तंबाकू मुक्त यूथ कैंपेन 02 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान के संबंध में जागृत किया गया और ये तंबाकू उत्पादों से दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह की प्रतियोगिता, रैली, संवाद एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और निबंध प्रतियोगिताओं के प्रथम मोनू, द्वितीय मोहित, तृतीय विजेता मोनिका को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आर्काइव्स म्यूजिक द्वारा आयोजित ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन में कला भारती के स्टूडेंट्स लक्षिका शर्मा ने जूनियर और भारती ने सीनियर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोनों कला भारती के संगीतज्ञ चिन्मय पाराशर से शिक्षा ले रही हैं। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड विच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट? ऑफ कोर्स कैल्सेटो। कैल्सेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में, तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना वो सब, और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर अपैरल्स भी हैं, इन अपैरल्स पर आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कम्प्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है, सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैल्सेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय वन गेट वन फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैल्सेटो, कैल्सेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान।
अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव अ विजिट। विजिट करने से पहले आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 8058532971। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के पूठी गांव से शेरपुर वाया अलावड़ा चौमा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का नवीनीकरण कराया गया है, जिसमें कस्बा अलावड़ा में बनने वाली सीमेंटेड सड़क का निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ रखा है। साथ ही पटरी व नाला निर्माण का कार्य कराया ही नहीं गया और न ही कस्बे से निकलने वाले गंदे पानी और बरसात के पानी के लिए सीमेंटेड सड़क में नालियां बनाई गई हैं, जिससे नवनिर्मित सड़क के किनारों पर गंदगी वाले कीचड़ जमा हो रहे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का भी संभावना बनी हुई है। इस बारे में चार दिन पूर्व सहकारिता मंत्री गौतम डक द्वारा अलावड़ा दौरे के दौरान ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत करने पर सहायक अभियंता साकिर हुसैन द्वारा बताया गया कि बनने वाली अधूरी सीमेंटेड सड़क मार्ग में अतिक्रमण हटवाना है और इसके लिए पुलिस जाब्ता मिलते ही अधूरे निर्माण कार्य को एक दो दिन में पूरा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ पूठी से अलावड़ा तक बनाई गई सड़क जगह जगह से उधड़ने लगी है और पूठी से एक किलोमीटर आगे हरनावाली के समीप खेत मालिक द्वारा सड़क बनने से 3-4 वर्ष पूर्व खेत की मिट्टी ईंट भट्टा मालिक को बेच दिए जाने के कारण खेत सड़क से 4-5 फुट नीचा हो गया। इस कारण विभाग द्वारा सड़क के नवीनीकरण के बावजूद ठेकेदार द्वारा उस जगह सड़क किनारे पटरी ही नहीं बनाई गई, जिससे तेज गति से निकलने वाले वाहन चालक साइड देते समय कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसे देखते हुए विभाग द्वारा उस जगह डांबर सड़क पर ही डस्ट डलवाकर सड़क की चौड़ाई ही कम कर दी। वहीं रात के समय काली डस्ट दिखाई न देने के कारण बड़े वाहन को साइड देते समय अनेकों बार छोटे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। ऐसा लगता है शायद विभाग तभी ध्यान देगा जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। इस बारे में सहायक अभियंता साकिर हुसैन से बात की तो उन्होंने बताया कि सड़क किनारे पटरी बनाने के लिए जगह ही नहीं है, खेत काफी नीचा है, पटरी कैसे बनेगी और सड़क पर डाली गई डस्ट को हटवाने का आश्वासन दिया गया। रामगढ़ कस्बे में अग्रसेन वाटिका गोविंदगढ़ मोड़ पर चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस की कथा में राष्ट्रीय कथावाचिका सुश्री शिवांगी दीदी श्री धाम अयोध्या ने श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्र कामेष्टी यज्ञ राम जन्मोत्सव एवं बधाई महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दीदी ने बताया कि पृथ्वी पर असुरों का वध करने एवं गाय माता की रक्षार्थ पृथ्वी पर अवतार लिया। कथा के दौरान सुनाए गए भजनों पर सभी श्रोताओं ने भाव विभोर होकर जमकर नाचे। शहर में डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने निर्देशन में विभिन्न वार्डों में फॉगिंग करवाई जा रही है। आज वार्ड 16 के अंतर्गत अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन द्वारा गाड़ी भेजकर फॉगिंग कार्य करवाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दुरेजा ने बताया कि राजस्थान में डेंगू का प्रकोप जारी है और आए दिन डेंगू के बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं। विगत दिनों अलवर में भी एक 14 वर्षीय बच्चे की मृत्यु की खबर समाचार पत्रों के माध्यम से मिली तो हमारे द्वारा नागरिक चौपाल, जागरूक नागरिक मंच और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शहर में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग की मांग उठाई जा रही है। आज जिला प्रशासन द्वारा अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी क्षेत्र में फॉगिंग कार्य करवाया गया है और शहर में विभिन्न स्थानों पर रोजाना शाम फॉगिंग कार्य करवाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इससे शहरवासियों का डेंगू से बचाव होगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कस्तूरबा गांधी तथा मेवात बालिका आवासीय विद्यालय के खिलाड़ी छात्राओं की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस चनिया का बास मालाखेड़ा महुआ खुर्द में हुआ। मुख्य अतिथि उपनिदेशक शिक्षा विभाग महेश चंद्र गुप्ता, विशिष्ट अतिथि शिक्षा विभाग के अधिकारी भागचंद शिवराम मीणा, कमलेश गुरु, थानाधिकारी हितेश कुमार ने सरस्वती मां के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया तथा खिलाड़ियों की मार्च पास्ट की सलामी ली। मेजबान टीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द के प्रभारी अधिकारी भगवान सहाय शर्मा, सुरेश चंद, मंजुलता, सविता यादव, अंजना का और सोनिया सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार कर बैज लगाए। 31 विद्यालयों की करीब 450 खिलाड़ी छात्राओं ने भाग लिया। यह 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता है जिसमें कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक सहित अन्य प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। बालिकाओं की क्रीड़ा प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मेजबान जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से टीम स्वच्छता, टीम भजन, टीम रात्रिकालीन व्यवस्था, टीम नाश्ते की टीम, पेयजल टीम का गठन किया हुआ है। कार्यक्रम का संचालन सुरेश चंद्र ने किया। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अलवर श्रीमती आर्तिका शुक्ला द्वारा विधानसभा उपचुनाव 2024 में रामगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं हेतु ई मतदान शपथ पत्र का विमोचन किया गया। ई मतदान शपथ पत्र का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना तथा शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ लेना है जिससे अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत में वृद्धि की जा सके। जिला कलेक्टर ने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के मतदाताओं से ई मतदान शपथ पत्र अधिक से अधिक डाउनलोड किए जाने हेतु अपील की गई। मतदाता मोबाइल पर लिंक पर क्लिक कर नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज कर ई मतदान शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। खैरतल से जारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी गई तथा समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 17 परिवाद दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पंचायतों में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन पंचायत स्तर पर पहुंचकर आपकी समस्याओं को समाधान कर सके। आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर हो जाए इस हेतु रात्रि चौपाल का आयोजन कर प्रशासन आपके घरों तक पहुँच रहा है ताकि आपको उपखंड या जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इस दौरान रास्ता खुलवाने, अंत्योदय योजना में नाम जुड़वाने, संबंधी पालनहार योजना में नाम जुड़वाने, जल जीवन मिशन में कनेक्शन करने, कब्जा दिलवाने, पीएम विश्वकर्मा योजना में नाम जुड़वाने, भूमि से अतिक्रमण हटाने, बिजली प्रकरणों सहित कुल 17 प्रकरण रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिसमें प्रकरणों के समाधान हेतु मौके पर अधिकारियों को निर्देशित प्रदान किए गए। आमजन द्वारा कृषि विभाग के सुपरवाइजर का काम के प्रति लापरवाही के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया जिस पर जिला कलेक्टर ने संयुक्त निदेशक कृषि विभाग को सुपरवाइजर के 3 अतिरिक्त चार्ज के दिन निर्धारित कर फील्ड में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी द्वितीय एवं खुशखेड़ा कारोली सलारपुर इकाई का गुरुवार को गठन किया गया। इसके लिए गुरुवार शाम 6 बजे भिवाड़ी के एक होटल में बड़ा कार्यक्रम रखा गया जिसमें नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई एवं सभी को लघु उद्योगों के लिए काम करने की प्रेरणा दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में तेजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, लघु उद्योग भारती के जयपुर अंचल अध्यक्ष सुधीर कुमार गर्ग, जयपुर अंचल महामंत्री सुनीता मौजूद रहे। इस दौरान लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद का मुख्य उद्बोधन रहा। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान राजनीतिक विज्ञापन, रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल और बल्क मोबाइल संदेश आदि का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन के बिना प्रसारण करने सहित आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन विभाग संबंधित मोबाइल ऑपरेटर और टेली मार्केटिंग फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस विषय में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी है। नवीन महाजन ने गुरुवार को मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी ऑपरेटर आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। इसके लिए मोबाइल कंपनी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके प्लेटफॉर्म से कोई भी गैर अधिप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन, अपील अथवा बल्क चुनावी संदेश प्रसारित नहीं हो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मोबाइल कंपनियां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन, फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम, इतना सब कुछ कम फीस में। फिर और कहीं क्यों, आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत जिला कलेक्टर अलवर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा दीपावली के त्योहार पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके उसके तहत आज लक्ष्मणगढ़ कस्बे में SDM लक्ष्मणगढ़ के निर्देशन में एवं BCMO लक्ष्मणगढ़ के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों से प्राप्त शिकायत के आधार पर ग्राम सज्जनपुरी लक्ष्मणगढ़ में स्थित पनीर निर्माण इकाई चौधरी डेयरी का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचने पर उक्त डेयरी पर रिफाइंड पामोलिन तेल के खाली पीपे एवं दूध पाउडर के 3 कट्टे भरे हुए पाए गए। विक्रेता से पूछने पर उसने दूध पाउडर से दूध बनाकर उसमें पामोलिन तेल मिलाकर पनीर बनाया जाना बताया गया। निरीक्षण करने पर प्लास्टिक के 4 बक्सों में करीब 250 किलो पनीर निर्मित करके रखा हुआ था जिसमें बदबू आ रही थी और पनीर को चखने पर खट्टा पाया गया। पनीर में से पनीर का नमूना लेकर करीब 250 किलो पनीर को मौके पर JCB बुलवाकर गड्ढा खुदवाकर उसमें दबाकर नष्ट करवाया गया। डेयरी से दूध पाउडर का भी एक नमूना लिया गया एवं शेष बचे 73 किलो दूध पाउडर को जब्त किया गया। डेयरी पर साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होने पर डेयरी संचालक को इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड स्थित बाजार से शाम मिष्ठान भंडार से 1 कलाकंद का नमूना भी लिया गया एवं दुकान पर रखी करीब 5 किलो पुरानी सूखी दूषित मिठाई को मौके से नष्ट करवाया गया। कठुआ रोड लक्ष्मणगढ़ स्थित राजपूताना मिष्ठान भंडार से एक बर्फी का नमूना जांच हेतु लिया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, जय सिंह यादव एवं अशोक लखेरा मौजूद रहे। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी के 53वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज भिवाड़ी जिला खैरतल तिजारा में विप्र सेना के सदस्यों ने प्रातःकाल गौ सेवा से दिन की शुरुआत की। उसके उपरांत धोली खोली के गोचर भूमि पर वृक्षारोपण किया एवं आम, जामुन, अमरूद आदि के फलदार पौधे लगाए। भिवाड़ी काली मंदिर में लक्ष्मी पूजा की गई। पूजा में शामिल होने के लिए सदस्य अपने परिवार के साथ और आस पड़ोस से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। उपस्थित सभी लोगों के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान कालीबाड़ी अध्यक्ष TK चक्रवर्ती, चेयरमैन अमित नाहटा के नेतृत्व में सीनियर मेंबर विश्वजीत सेन गुप्ता, श्रीमती ताप्ती चटर्जी, अभिजीत साहा, अशोक गंगोपाध्याय, अंकन गुप्ता, अरविंद घोष, नवनीत चौधरी और वाइस चेयरमैन राजवीर दायमा और केशु गुजर का योगदान रहा। तिजारा के जरौली गांव में SP ज्येष्ठा मैत्रेयी ने जनसुनवाई की। पुलिस चौकी में की गई जनसुनवाई में गांव के युवा, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। SP ने यहां जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान SP ने साइबर अपराध और महिला अपराध रोकने के साथ ही युवाओं में मोबाइल के प्रति बढ़ती लत को कम करने की बात पर जोर दिया। साथ ही जनसुनवाई में गांव के स्कूल के बच्चे भी आए। कई बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई का स्तर सुधारने सहित खेल के आइटम उपलब्ध कराने की मांग रखी, तो वहीं SP ने स्कूल में आवश्यकताओं की चीजों की मांग रखने पर जिला कलेक्टर से संपर्क कर उन्हें पूरी करने का आश्वासन दिया। इस दौरान गांव की एक महिला ने युवाओं में बढ़ती शराब की लत की समस्या को SP के सामने रखा, जिस पर SP ने तुरंत प्रभाव से थाना अधिकारी को निर्देश देते हुए अवैध रूप से संचालित शराब के ठेकों को बंद करने के निर्देश दिए। वहीं SP ने बताया कि गत कई सालों की तुलना में साइबर क्राइम और गौकशी का गढ़ माने जाने वाले जरौली गांव में अपराध का ग्राफ घटा है। यहां गत 5 सालों से सभी प्रकार का अपराध समाप्त होने के कगार पर है। सरपंच इलियास ने बताया कि भिवाड़ी SP के द्वारा की गई जनसुनवाई से
गांव के युवाओं को मोटिवेशन मिला है। अपराध के प्रति युवाओं का रुझान घटने लगा है। पिछले एक साल से गौकशी का कोई भी मामला गांव में सामने नहीं आया है, तो वहीं साइबर क्राइम भी लगभग खत्म हो चुका है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जिला कलेक्टर से भी मिलकर और सुविधाएं देने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने किसी भी प्रकार का अपराध होने पर या थानों में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस से सीधा संपर्क करने की बात कही है। एसपी के द्वारा किए जा रहे नवाचारों से क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तिजारा कस्बे में वाल्मीकि समाज की ओर से दो दिन तक रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह मनाई। इस अवसर पर भजन संध्या के साथ ही दो दिनों तक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया तथा महर्षि वाल्मीकि भगवान की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ बड़ी धूमधाम के साथ कस्बे में निकाली गई। इस मौके पर जाटव समाज तिजारा की ओर से महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया एवं खीर का प्रसाद भी वितरण किया गया। जाटव समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद जाटव, नारायण राजौरिया, गुलशन कुमार, ताराचंद पालीवाल, विजय पालीवाल, भवानी सिंह, सोनू गुजर ने एवं वाल्मीकि समाज की ओर से रमेश टीमल, धर्मपाल मर्दाने, अनिल कुमार, आनंद कुमार, राजू मर्दाने आदि ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जयंती समारोह का समापन समारोह मनाया। समापन समारोह में पंचायत समिति प्रधान जेपी यादव, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजेश जांगिर, मुनि गुर्जर, रामेश्वर दयाल सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व सभापति राजेश जांगिर ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर चलकर समाज का उत्थान करें तथा बालिका शिक्षा पर बोलते हुए राजेश जांगिर ने कहा कि आज के युग में शिक्षा ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक मूल मंत्र के समान है। जब समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो समाज एकदम जागृत हो जाएगा और समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।